ये रानी खेत की वैक्सीन है और ये अभी अभी लाए हम। तो यार हमारे पास जो है ना एक प्यारी सी खुशखबरी है, खुशखबरी बोल लो या फिर हम ये लगा लें कि अपना अंदाजा करना है। तो यार हमने जो है ना वैक्सीन तैयार कर ली है, ये रही दोस्तों। अब इस वैक्सीन का क्या सीन है मैं तुम लोगों को बताऊं। बहुत एहतियात से डालना है, एक दो, चलो भाई आ गए हम छत पे। तो यार ये देखो मेरे हाथ में जो है वैक्सीन है और आज हमजा का दिन है हमारे सेटअप पे। राइम कर गया हमजा, ये चीज है ना मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार मेरे हाथ में वैक्सीन है, सांस फूल गया मेरा भाई, क्यों फूल रहा है ये भी बताता हूँ। ज़्यादा वैक्सीन है दोस्तों इनकी और ये वैक्सीन जो है भाई रानी खेत की है ना, ये रानी खेत की वैक्सीन है और ये अभी अभी लाए हम। इधर रखते हैं और ये हमदा, ये जल्दी देनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई है इस चक्कर में। ये देखो ये भी और ये भी पानी हुआ भाई है, बिल्कुल बिल्कुल ये वो पड़ी हुई है, क्या बोलते हैं गर्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। वैक्सीन का ही चक्कर होता है यार, इसको ना ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है वरना ये ख़राब होने का 100% चांस होते हैं। तो खैर से हमने सारे अपने सेटअप के जितने हैं ना उनको सबको आज लाजमी वैक्सीन करनी है। अगर आज वैक्सीन नहीं करी, क्योंकि यार आप लोगों को पता है हमारे साथ क्या सीन हुआ था, जो मैंने हमारे जो छोटा चेतन और दूसरी मुर्गी हो बीमार पड़े हुए थे। और एक और खुशखबरी दिखाऊं भाई, इन दोनों को हम वापसी सेटअप पे ले आए हैं आखिरकार, हमारा छोटा चेतन और उसकी वाइफ। क्योंकि यार नीचे हमारे पास जगह नहीं बची थी, दो मुर्गे हैं, एक और भाई मुर्गा लाए हुए थे तो वो भी हमने ऊपर रखा है, शिफ्ट करा है, और नीचे दूसरा मुर्गा पुराने वाला, तो इस वजह से इन दोनों को ऊपर ले आए। और ये अभी माशाल्लाह काफ़ी सेट हो गए और वैक्सीन हो जाएगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएंगे। आ जाओ भाई ब्राउनी, अरे फंस गया, चलो 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 जाओ। तो यार हमारे पास जो है ना एक प्यारी सी खुशखबरी है, खुशखबरी बोल लो या फिर हम ये लगा लें कि अपना अंदाज़ा करना है। अंदाज़ा हमारा वैसे पक्का है। वो देखो यार कॉकटेल जो है वो हांडी में जा रहा है, ये तुम लोगों को दिखाना था। ये देखो ये नर है और वो मादा है जो बैठी हुई है बराबर में। तो यार हमजा ने इनको पेयरिंग करते हुए भी देखा और हमजा का कहना ये है कि ये अंडे दिलवा देगा इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि इसने तो देख लिया सामने, मेरे को दिखा नहीं है। एक दो दिन में मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी। ये भी दोस्तों मेरी दो दिन व्लॉग नहीं आया इसकी वजह से, क्योंकि यार तबीयत सेट नहीं थी, मुझे मलेरिया हुआ था तो उस वजह से मेरी तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी। कमर पूरे जिस्म में दर्द इतना शदीद और डॉक्टर को खदशा हो रहा था कि डेंगू भी ना हो, क्योंकि डेंगू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से दो दिन व्लॉग नहीं आ पाए, अब इंशाल्लाह डेली आएंगे। और हमारे यार रैबिट हाउस का भी काम रुका हुआ है तो इसका काम भी जल्द शुरू करना है हमने। कैसे भाई ले आऊँ मैं वैक्सीन कर दें, आइए। तो यार वैक्सीन स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन स्टार्ट करने से पहले दिखा दूँ, इजी वैक्सीन आपको मिल जाएगी, आप किसी भी उस पर जाके लेंगे ना फार्मेसी से तो आप लोगों को इजी मिल जाएगी, देख लो। बाकी मैं दिखा दूँ वैसे तो ये है, कोई नाम वाम ऐसा खास नहीं है, बस आप उनको बोलोगे रानी खेत की और जो बीमारी की वैक्सीन होती है इनकी वो यही देंगे आपको। बनानी किस तरीके से है वो हम दिखा देते हैं और एक किसी मुर्गा मुर्गी को हम आपको करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से होती है। लिया भाई जब तुम्हारे को लग रहा है, तो यार हमजा को लग रहा है कि ये बच्चे अंडे दिलवा देगा, हमारा जो मेरा जो मेल है ना, मेरा मेल है हमजा की फीमेल है, तो हमजा कह रहा है प्याला रख दो ताकि ये अंडे दिलवा दे। तुम्हें क्या लगता है दिलवा देगा जल्द से जल्द? पर यार मुझे जो है ना वो शक ये हो रहा है कि शायद ही दे, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है। हमजा का भाई कबूतरों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कबूतरबाज रह चुका है ये, है ना कबूतरबाज नहीं पर हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे कबूतर थे पिजन्स। तो खैर से देखते हैं भाई क्या हमारे ये वाला पेयर देता है बच्चे अंडे या फिर नहीं, तो वेट करते हैं हम। तो यार हमने जो है ना वैक्सीन तैयार कर ली है, ये रही दोस्तों। अब इस वैक्सीन का क्या सीन है मैं तुम लोगों को बताऊं, ये जो है ना ऊपर तक भरी हुई थी, फुल ऊपर तक भरी हुई थी, और इस वैक्सीन के अंदर हमने इसको करा है पहले हाफ, इसके अंदर जो पानी था ना उसको आपने हाफ करना है और उसके अंदर जो है ना इसमें से पानी निकाल के फिर सिरिंज में, इंजेक्शन की सिरिंज जो होती है उसमें से निकाल के इसमें डालना है, और इसमें जो पाउडर होता है उसको शेक करके फिर उसे निकाल के वापसी इसके अंदर डालना है, ठीक है? समझ गए होगे आप लोग, इसके अंदर जो होता है ना पाउडर होता है तो उसको निकाल के इसमें डालना है मेल्ट करके। तो हमने डाल दिया है, अब इसको शेक कर लिया हमजा ने और अब ये हमारे पास वैक्सीन तैयार हो गई है। तो अब हम एक एक करके निकाल के सबको करेंगे, पर यार तुम लोगों को जो है मैं दिखा देता हूँ किसी एक को करके किस तरीके से होगी। मुर्गी को नहीं, उनको निकाल लेते हैं पहले, छोटे दोनों को, क्योंकि वो मेन है। इन दोनों को निकाल के हम आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरीके से वैक्सीन होगी। तो यार इस मुर्गी को लिया है मैं छोटे चेतन की वाइफ, क्योंकि इसमें ही हमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो रहा था, तो इसके डाल के दिखा देते हैं और फिर बता भी देते हैं। बता दो तो किस तरीके से डलनी है भाई, एक एक कतरा आंखों में डलेगा, एक एक कतरा दोनों आंखों में डलेगा दोस्तों, पांच कतरे और पांच कतरे मुंह के अंदर डलेंगे ताकि इनकी जो है
प्रॉपर ये वैक्सीन हो जाएगी फिर। चलो भाई उल्टा करो इसे थोड़ा इधर गए, ये देख लें किस तरीके से डलेगा आगे ला। ये देखें एक कतरा डाल दिया आँख में इसके, ये देखो एक कतरा इस आँख में डलेगा ये देखना, ये देखें ये। चलो और इनके जब हम कतरा डालते हैं आँख में तो ये देखो वो अंदर जाके कतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कहीं बाहर ऐसे गिरता ही नहीं है। इसकी अभी भी आवाज़ है ना, इसके अभी भी यार आवाज़ है खड़खड़ की, और हमें डर लग रहा है कि इसको हम सेटअप पे ले तो आए पर फिर भी हमें डर है। और पांच कतरे हमने डाल देने इस तरीके से मुंह में, ये देखो भाई बहुत एहतियात से डालने, एक दो ठीक है। तो भाई इसकी प्रॉपर वैक्सीन हो गई है। तो यार सबको जो हमने वैक्सीन प्रॉपर कर दिया दोस्तों, फिलहाल सुल्तान कुल्ला मछली में आगे नहीं जा रहा, तो खैर से इनको भी भाई हमने दे दिए, ये देखें अभी अभी इनको पानी दिया, इनको हमने सुबह का पानी नहीं दिया हुआ था ताकि ये जो है सही से पेट भर के पिए। और देखो सबके सब पानी की तरफ गए डायरेक्ट, जब मैंने इनको डाला है ना सब पानी की तरफ गए और सब पानी पी रहे हैं। हमजा जो है वैक्सीन कुछ बची है, नीचे जो हमारे पास मुर्गे हैं उनको भी वैक्सीनेशन मैंने, हमजा ने बोला यार उनको भी कर देते हैं एहतियातन तौर पे कि अल्लाह ना करे फिर भी भले सेल आउट क्यों पर बीमारी से तो बचे रहे ना यार, तो उनके लिए भी वैक्सीन हमने बचा लिया। वैक्सीन काफ़ी बची हुई है, दिखाना कितनी बची है तो ये देखो यार बहुत ज़्यादा वैक्सीन बची हुई है। वो देखा ये ऐसे हमला कर देता है फिर पीछे से, तो ये देखें आप सबको वैक्सीन पूरी हो गई भाई, और एक दिमाग की जो टेंशन थी ना हमारी हल हो गई। किस तरीके से करनी थी हमने आप लोगों को करते हुए दिखा दी, तो इस तरीके से इजी वैक्सीन होती है। चलो यार नीचे चलें पहले उनको वैक्सीन कर दें, अब हम यार नीचे वैक्सीनेशन कर कर आ जाएं। तो भाई नीचे भी वैक्सीनेशन हमने कर दी दोस्तों, और जो है एक चीज़ दिखा दूँ, ये वाली जो मुर्गी है ना इस पर हमें थोड़ा सा पूरे का पूरा खदशा है कि इसकी थोड़ी सी ना बीमारी है, रानी खेत की नहीं पर इसका गला सही नहीं है, और गले की बीमारी जो है वो भी लग जाती है आपस में जब ये खाना खाएंगे, आपको पता है प्याले में एक ही में डालते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और इसको जो है यार मैं नीचे ले जाऊंगा फ़िलहाल दूसरे पिंजरे में, वहाँ से निकाल के डाल के जाते हुए, क्योंकि यार ख्याल करना है हमने थोड़ा, अभी ऐसे नहीं छोड़ना है इसको साथ। और यार ये बहुत सुस्त है, बहुत ज़्यादा सुस्त है यार, ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही सुस्त है। चल भाई कट जा। हेलो भाई, तो यार ये गत्ता हमने काटा है दोस्तों, क्योंकि ये जो है हम किस पिंजरे में रख रहे हैं अभी दिखा देता हूँ। चलो 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 भाई तुम्हारी बारी आ गई है, आ जाओ बाहर जल्दी से मैडम आ जाओ, चलो चलो तुम्हारे को बंद करूँ पिंजरे में। तो यार इनका गत्ता हमने बिछा दिया है और इसको जो है हम अभी ऊपर ही रख रहे हैं दोस्तों, ये रहा, तो इसलिए हमने गत्ता काटा था ताकि इनको यहाँ शिफ्ट कर दें, इनको जो है ठंड चढ़ रही थी उस जगह पर यार, इस वजह से हमने यहाँ शिफ्ट करना है। तुम्हें भी शिफ्ट करूँ भाई, ले तो रहा हूँ ये रही भाई तुम्हारी बेगम ये रही हिलजुल भाई, इनको यहाँ कर दिया शिफ्ट, ठीक है याद रखना अब दोस्तों ये यहाँ ही रहेंगे। तो भाई ने दाना हमने अंदर ही डाल दिया है क्योंकि यार आज बहुत लेट हो गए, मगरिब के अदाने स्टार्ट हो गई हैं। तो खैर से ये था आज का व्लॉग, और ये भी आ गए आज हमारे साथ, ये छोटे घूम रहे हैं और वो घूम रही हैं, एक दोनों के दोनों ने तबाही मचाई है। हाँ तुम भी घूम, तुम्हारी वजह से यहाँ ही है, सारा दाना फेंक रहे हैं, देखो इन दोनों की हरकत है, नहीं करो ये करते हैं हरकत है, दाना ऐसे दाया होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। क्या मसला है यार, खो भूल ले खो, कौन सी वाली काली वाली, चलो भाई भाई ये आखिर में रह गई है बस, चलो 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 जाओ, हटो सामने से तो हटो।